कई बार होता है कि सपने में लगातार कृत आते हैं, लगातार किसी किसी के आते हैं, क्या ये शुभ है अशुभ है इसको क्या माना जाए? कई बार लोग घबरा भी जाते हैं, रेगुलर क्यों आ रहे हैं हमारे पूर्वज, इसका क्या मतलब? सही रूप से अगर देखा जाए तो पितरों का नियमित रूप से आना ठीक नहीं। हाँ, पितृपक्ष चल रहा है या कोई आप बहुत विपत्ति समय में है, कोई बहुत अच्छा कोई कार्य होने वाला है, तो ऐसे समय में आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रेगुलर दिख रहे हैं तो देखिए कितना भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद वो जब शरीर के बंधन से मुक्त होता है तो वो आपके अपोजिट हो जाता है, आपके हित में नहीं रह जाता है। इसलिए बराबर जब आएंगे तो आपके जीवन में समस्याएं ही लाएंगे वो। तो पितृ अगर तृप्त रहेंगे तो वो बार बार दिखेंगे नहीं आपको, अतृप्त है किसी चीज़ से आपसे अपेक्षा रख रहे हैं तो वो बार बार दिखेंगे। तो पितरों का बार बार दिखना जो है ये अशुभ संकेत। ऐसे कंडीशन में क्या करे व्यक्ति? ऐसे कंडीशन में पितरों को लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवा देना चाहिए और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का या गरीबों में कुछ दान करने का, पितरों के निमित्त दान करने से। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बहुत अपने से माँ है, पिताजी जिनसे बहुत मोहब्बत है, क्या वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल हो जाएंगे। कहा गया है कि जो व्यक्ति आपका सगा से सगा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद वो शरीर बंधन से मुक्त होता है तो उसका माया मुक्त हो जाता है ना, फिर वो आपके लिए नहीं बचा है, ठीक है, फिर वो आपसे उसका वैसा जुड़ाव नहीं रहता जैसे हम लोग सोचते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है, वो नुकसान ही करेंगे।